भारत में एक और तो पानी की किल्लत है और एक और बाढ़ है। असम और बिहार में भी बाढ़ की बड़ी चिंता वर्तमान समय में देखी जा रही है और ये बहुत ही दुखद बात है। देख सकते हैं अपनी आँखों से, तस्वीर देख सकते हैं, ये गाज़ियाबाद के वसुंधरा इलाके के सेक्टर 16 ए और बी का नज़ारा है, जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा ये सड़क है या नदी बह रही है। पूरा ब्रह्मपुत्र तो यहीं पर बह रहा है, देख सकते हैं। अबे कुछ समय पहले माननीय योगी जी ने एक ट्वीट किया था कि किसी भी इलाके में अगर कहीं जलभराव की समस्या है तो तुरंत उत्तर प्रदेश की प्रशासन उस पर काम करेगी, लेकिन देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश की प्रशासन क्या काम कर रही है। व्हाट इज उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग, यू कैन सी हियर। जल भराव की समस्या है और ये समस्या न सिर्फ यहाँ पर है बल्कि पूरे गाज़ियाबाद में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, अन्य शहरों की तो मैं नहीं बता सकता। देखिए मेरा पैर भी भर गया इसमें, देखिए ये गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, ये नाव जा रहा है, इसमें आराम से तैराकी किया जा सकता है। अभी बच्चे इसी में कूद कूद के नहा रहे थे, देखिए यदि संभव हुआ तो इस वीडियो को माननीय योगी जी तक पहुंचाइए ताकि उनको समझ में आए कि जहां पर एक और ये देखिए बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, 12-12, 15-15 माले ऊंचे अट्टालिकाएं हैं, यहां पर हाई सोसाइटी वाले लोग यहां पर रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग यहां पर रहते हैं। देख सकते हैं वो बड़ा सा होटल देख रहे हैं सामने, वो है सफ़ेद सफ़ेद, और उसी के सामने ऐसा जल भराव। और ऐसी जल भराव की समस्या जब होती है तो उससे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे डेंगू, मलेरिया, जल प्रदूषण, यानी शहर का जो नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी, जो कि आज के हजारों साल पुरानी सभ्यता थी, उसमें नगरों का नियोजन बड़ी सुनियोजित तरीके से होता था, प्लानिंग अच्छे तरीके से होती थी। लेकिन आज हम एक मॉडर्न ज़माने में रहने के बावजूद भी, अर्बनाइजेशन के दौर में भी, जब हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं बनने का, जब हम विश्व की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना देखते हैं और हम चाइना को टक्कर देने की बात करते हैं, उस समय शहर जब ऐसे भरे हुए हों तो हम किस दिशा में जा रहे हैं उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि लगभग किसी भी शहर में जाकर देखें तो यही समस्या दिखाई देगी। और सामने देख सकते हैं पूरी ब्रह्मपुत्र नदी बहकर आ रही है, देखिए। और ये घटना सिर्फ 10 मिनट में हुआ है, अभी 10-15 मिनट पहले बारिश शुरू हुई थी और पूरा जल भराव हो गया है। सड़क पर देख सकते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉटल्स भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त किया जाएगा, लेकिन प्लास्टिक कैन बी सीन वेरी क्लियरली ऑन द रोड। देखिए अधिकारी की गाड़ी भी जा रही है, इसी जल भराव में अधिकारी की गाड़ी जा रही है, देख सकते हैं। तो पहुंचाइए इस वीडियो को जहां तक पहुंचाना है और खुद ही निर्णय कीजिए कि शहरी नियोजन किस प्रकार से हो रहा है। एक तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं तो दूसरी तरफ जल भराव है। चलिए ठीक है, जय हिंद।